All is over, then. One second. Everyone looks at them. Thank you so much. बात हुई 16-17 एज में आपने इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
ठीक है, एंड हमारे सबसे क्रिएटिव डायरेक्टर साहब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या कुछ क्या विश करेंगे आप यंग टैलेंट को जो हमारे इंडस्ट्री में आते हैं ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग करते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे ये ताज्जुब हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि 16 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में जब बच्चे या तो वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, खेलने में लगे होते हैं, पृथ्वी ने एक एग्जीबिशन लगाई जिसमें 25 पेंटिंग्स की हैं, और आसान नहीं होता 25 पेंटिंग करना, एक्चुअली एक एक पेंटिंग को सोचना करना दिन लग जाते हैं। एट दिस एज ही इज़ कम अप विथ सो मेनी दिस थिंग एंड ईच पेंटिंग स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज माइंड, सो इट्स मैन यू हैव टू इंकरेज हिम, इंकरेज द फैमिली फॉर सपोर्टिंग हिम। सो आई एम श्योर ये जिस किस्म का काम कर रहा है, ये अगले 5-10 साल में आप देखेंगे इनका काम कहाँ तक आके तक जाता है। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। आपको कौन सी वाली पसंद आई पर्टिकुलर? मुझे एक वो जो क्यूरियोसिटी लिखा हुआ है वो आप वो पढ़िए जाके, कितना अच्छा लिखा है वो इन दैट पेंडोरास बॉक्स, वो अच्छा लगा है। एक महोत, वो अच्छा लगा है, महोत इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और सबका अलग है, वहाँ देखिए कहीं वो एक बुल है, कहीं ये देखिए ये पृथ्वी का खुद का सबसे फेवरेट है, ये दिखाइए, तो उसको देखते रहना पड़ता है, देखते रहिए उसके अंदर आपको एक कहानी दिखाई देने लगेगी। आई जस्ट मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि यू नो आज जो भी हो रहा है आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक एवरीथिंग जो भी आज पुट आउट किया मैंने, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड I hope I can, you know, do this in the future more, and the opportunities I have gotten are very incredible. I just want to say that. Thank you, Jeev. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.